रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस, अध्यक्ष हिंदी विभाग, संजीवियर कॉलेज रांची। नाटक, रोजगार और व्यक्तित्व विकास विषय पर कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। नाटक क्या है, नाटक की आवश्यकता क्या है, नाटक का रोजगार के साथ क्या रिश्ता है, और निश्चित रूप से व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, तो फिर नाटक की आवश्यकता व्यक्तित्व के विकास में कितनी है, इस पर हम कुछ बातें रखने जा रहे हैं अपने इस वक्तव्य में। ये विषय स्नातक स्तर के कोर पाठ्यक्रम में और कौशल विकास पाठ्यक्रम में शामिल है। नाटक क्या है, ये प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है, और इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है कि नाटक जीवन की प्रतिकृति है, उसकी चेतना का प्रथम अध्याय है, यह जीवन की जीवंत व्याख्या करता है। रंगशाला में जीवन की जीवंत प्रस्तुति नाटक है। अगर भारत की बात की जाए तो नाटक इस भूमि पर निवास करने वाले हरेक व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से आदिकाल से प्रभावित करता आ रहा है, और नाटक मानव के गुण का एक प्रमुख आयाम है, उसकी अभिव्यक्ति का, यह उसकी संवेदना का जीवंत चित्र है, यह मानव के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का दर्पण है। नाटक की चेतना में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, राजनीतिकता, मानव के आर्थिक और धार्मिक पक्ष आदि मुखरित होते हैं। नाटक जीवन और समाज की विद्रूपताओं, असंगत मानवीय संबंधों की कश्मकश, वैज्ञानिक प्रगतिवाद, बाजारवाद, औद्योगिक क्रांति से जनित विसंगतियों का भी दर्पण है। कुल मिलाकर नाटक मानव जीवन का प्रतिबिंब है, यह जीवन का साहित्य है, जीवन का राग है, और जीवंत रंगमंच भी। वह अनेक धारों वाली एक विधा है जो मानव जीवन के समस्त काल को, उसके सुख दुख को, उसकी त्रासदियों को, उसके पसने के अवमूल्यन आदि को प्रतिध्वनित करने की क्रिया में आदिकाल से निरंतर सृजन के मार्ग से अपना रूप कालानुसार बदलता रहा है। कभी मानव के प्रेम को, कभी राजा की राजसी को, कभी ऋषि मुनि की तपस्या को, कभी शौर्य गाथाओं को, कभी मानव की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को, कभी राजनीति के तांडव को भाषा की विभिन्न शैलियों में अभिव्यक्त करता रहा है नाटक, किसी मानवीय कथा को प्राण देकर। नाटक कभी काव्यात्मक था, जो बाद में रुखड़ी या कोमल प्रेम पगी भाषा में गद्य रूप में आया, किंतु हर रूप में नाटक जीवन में आए परिवर्तन को स्वर देता है। वीणा गौतम ने लिखा है कि अनुकृति और अनुष्ठान के इस महाकाव्यात्मक बीजवटी नाट्य दर्शन में काल की संपूर्ण चक्र भंगिमाएँ जन्म से लेकर आज तक मनुष्य जीवन का इतिहास रचती चली हैं, और नखदंती वर्तमान को अक्र दृष्टि से निचोड़कर भविष्य को बीजने की कठिन चुनौतियों से सामना कर रही है। नाटक हथेली पर रखा खौलता तेजाब, उन सभी समकालीन अग्निधर्मी प्रश्नों, ज्वालामुखी संवेदनाओं से जूझता रहा है, जिसके सामने समय समय पर व्यक्ति लाचार विवश रहा है। लाचार त्रासदियों के इस अरण्य भेदी रुदन की भयावह जंगल ध्वनियों के जहर को पीकर नाटक आज नीलकंठी मुद्रा में आ गया है। नाटक की नील देह पठार मांस पेशियों में युग चेतना के मर्म भेदी स्वर और जीवन का राग विचलन गुत्थम गुत्था होकर मचल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक जीवन के चक्र को अपने में उतारता है, और साथ ही वह भविष्य में भी देखता है। वह भविष्य का एक झरोखा है। यह मात्र मानव का साहित्य नहीं, उसकी भाव भंगिमाओं को भी पढ़ता है, और उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, शोध की दृष्टि से देखता है। वह मानव जीवन के संपूर्ण चित्रों को समेटता है। यह मानव के समस्त सूरसा की तरह मुंह बाएं ज्वलंत प्रश्नों पर टूटता है, और उसके उत्तर प्रश्नों के जंजाल को काट कर देता है। यह विष पीकर नीलकंठ कहलाने वाले
देवाधिदेव महादेव की तरह है, शब्द शरीर के साथ और ये महादेव की तरह ही जगत के विष का पान कर अमृत कर देता है। ये सदैव चरैवेति है, ये सदैव अपने युग के साथ न्याय करता है और न्याय देने के लिए वातावरण बनाता है। मानव के विकास के सामने रुकावट को वैसे ही छिन्न भिन्न करता है जैसे पहाड़ी नदी की जलधारा पाषाणों को काट छांट कर छिन्न भिन्न कर देती है। हिंदी नाटकों ने इन प्रमुख ज्वलंत प्रश्नों को विवेचित कर उसे मंच पर जीवंत करने की कोशिश की है और नए नए संवाद और चरित्र पात्र दिए हैं। ये प्रश्न हैं नारी मुक्ति, दलित मुक्ति, गरीबी की सड़ांध में पनपी जिंदगी की त्रासदियाँ, स्वाधीन भारत में गुलाम मानव समूह, राजनीतिक नौटंकी और फरेब, सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक टकराव, मानव जीवन के बदलते मूल्य और बदलते सामाजिक संदर्भ, नर नारी संबंध और दैहिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, पश्चिम का अन्नानुकरण से जनित प्रतिदिन की त्रासदियाँ, अनब्याही माँ का खारा तेजावी अश्रु जल, हिंसाजन्य समाज का रुदन, परिवार नाम की संस्था का विघटन, लिव इन जिंदगियों की त्रासदियाँ, पीढ़ियों का टकराव और बुजुर्गों की लाचारी, युवकों के सामने परंपरा को तोड़ने की चुनौती या मजबूरी, युद्ध की विभीषिका आदि इत्यादि जो प्रश्न मानव को हर पल झकझोरते रहते हैं, नाटक मानव के प्रश्नों के सृजन की गति के साथ चलता है, निरंतर चलता ही रहता है। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जो मानव जीवन की संरचना में कई तरह से उपयोगी होती हैं, कई तरह के प्रभाव उत्पन्न करती हैं, कई तरह से उसे दिशा देती हैं, कई तरह से उसे सोचने और समझने की समझ देती हैं। उनमें बहुत सी विधाएं तो लोग शौक से अपनाते हैं और बाद में उसे अपना पेशा भी बना लेते हैं। इनमें से कुछ बचपन में या यूं कहें हर उम्र में आदमी कोई ना कोई विधा को अपना कर अपना मन बहलाव करता है। फिर जब उस विधा में वो परिपक्वता प्राप्त करने लगता है तो वह उसे अपने रोजगार में बदल सकता है। ऐसी प्रभावी विधाएं आमतौर से मानव मन को लुभाने वाली होती हैं, उत्प्रेरित करने वाली होती हैं। कहानी, कविता, नाटक, व्यंग्य, व्यंग्य लेखन, व्यंग्य चित्र रचना, चित्रकला अंकन, संगीत, नृत्य आदि ऐसी विधाएं हैं जो हर आदमी को किसी न किसी रूप में आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, प्रश्नता देती हैं, उत्प्रेरित करती हैं और आदमी कोशिश करता है कि उस विधा में जुड़े, उस विधा से जुड़े। बहुत से लोग सफलतापूर्वक इनमें से कुछ विधाओं को आजमाते हैं, पहले शौकिया अंदाज में, फिर उस विधा में गहरे डूब कर उस पर अध्ययन मनन करने लगते हैं। उनका जुड़ाव उस विधा से बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे वे उस विधा में पारंगत हो जाते हैं और तब उस विधा की दुनिया में दस्तक देते हैं, अपना नाम और अपनी पहचान स्थापित करते हैं। उनका उनके कर्म मूल्य के अनुरूप उनको उस विधा जगत में सम्मान भी प्राप्त होता है। वे शौक से पेशा की यादगार यात्रा करते हैं। यात्रा के क्रम में किसी भी सफल यात्री का व्यक्तित्व बहुत तरह से निखरता है। वो सिर्फ यश और धन ही प्राप्त नहीं करता बल्कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी भी बन जाता है। अतः आदिकालीन नाट्य विधा के ऊपर चिंतन करने की ओर प्रवृत्त होकर ये देखा जा सकता है कि इस प्रभावी विधा ने मानव जीवन को विशेष रूप से क्या दिया, उसने जीवन पर इसका कैसे प्रभाव बनाया, उसके व्यक्तित्व संरचनात्मक प्रक्रिया में उस विधा का कितना योगदान है, उसे कैसे अभिव्यक्ति मिली है। नाटक तो मानव का जन्मजात स्वभाव है, वो अपने शैशव काल में भी नाटक करता है और ऐसे नाटक को काव्यकारों ने बाल लीला का नाम दे रखा है। राम और कृष्ण की बाल लीलाएँ विश्व प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बाल लीला का सुंदर वर्णन है। तुलसीदास कृत रामचरित मानस तो बालकांड बाल लीला का एक बड़ा सुंदर भव्य उदाहरण है। कृष्ण की बाल लीला तो कवियों के लिए सबसे सुंदर विषय रहा है और उनकी लीलाओं पर रचित अनेक काव्यों में अधिकांश शाश्वत काव्य हैं, आज भी शहरों से लेकर सुदूर देहातों तक लोकप्रिय हैं। वे एक कंठ से दूसरे कंठ तक गेय शब्द रूप में यात्रा करती हुई अनेक पीढ़ियों में गहरे उतरती रही हैं। वीणा गौतम ने सची लिखा है कि भारतीय भाषा में लोक नाटकों की सुगठित परंपरा के कारण पवित्र पर्व उत्सवों के अवसर पर
जयतरास, रासलीला, रामलीला का आयोजन किया जाता था, जिसमें घटनाओं को ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। नाटकों में एक सूत्रता बनाए रखने के लिए एक दूसरी घटनाओं को क्रम से जोड़ना तथा पात्रों के आगमन निष्क्रमण का निर्देश देना सूत्रधार की जिम्मेदारी थी, जिसे वह बखूबी निभाता था। इस प्रकार लोक नाटकों में रंगमंच विद्यमान था। नाटक की व्यावसायिकता का सवाल जब भी सामने आता है तो उसका आकलन रुपयों में किया जाता है, लेकिन वो अन्य अर्थों में भी व्यावसायिक है। इस पर लोग विचार नहीं करते। नाटक वस्तुतः वह भौतिक पदार्थ नहीं है जिसे बाजार में खरीदा बेचा जाता है। नाटक की एक कोटि की व्यावसायिकता को उसके कारण समाज और व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से भी मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में नेमीचंद जैन ने लिखा है, यह व्यावसायिकता केवल भौतिक पदार्थों के खरीदने बेचने तक एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यों के विनिमय की क्रिया मात्र का नाम नहीं है, वो तो शुद्ध व्यवसाय ही है। व्यावसायिकता वास्तव में जीवन के प्रति उस दृष्टिकोण में निहित है जो प्रत्येक वस्तु के विनिमय मूल्य पर सबसे अधिक बल देता है। एक बार ये दृष्टिकोण ग्रहण कर लेने पर महत्व इस बात का नहीं रहता कि बदले में मिलने वाली वस्तु क्या है। वह धर्मी हो सकता है, लोकप्रियता और ख्याति भी, व्यक्तिगत प्रभुता, सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा राजनीतिक सत्ता भी। अर्थशास्त्र में लोकप्रियता का भी मूल्यांकन होता है और धन के रूप में होता है। व्यक्तिगत प्रभुता से भी किसी व्यक्ति की व्यावसायिकता बढ़ती है, और जब वामपंथ या अन्य राजनीतिक दल नाटक को अपनी नीति के प्रचार का माध्यम बनाते हैं तो नाटक के कलाकारों को एक प्रकार से बोनस मिलता है। नाटक के कलाकारों को राजनीतिक दल चुनाव के अवसर पर श्रव्य और दृश्य प्रचार सामग्री बनाने के लिए, विज्ञापन के लिए प्रयोग कर उनकी व्यावसायिकता बढ़ाते हैं। वैसे आज भी रामलीला पार्टी, रासलीला पार्टी, पुतली नाटक आदि का आयोजन किया जाता है और ये अच्छी कमाई भी करते हैं। देश के बहुत से शहरों में अब एक बार फिर से नाटकों का टिकट कटाकर देखने वाले दर्शक सामने आ रहे हैं और नाटकों के आर्थिक संपुष्टि के दिन लौट रहे हैं। अनेक नाटकों के कलाकार मंच के सामने बैठे फिल्म के निर्देशकों द्वारा फिल्म के लिए चयनित हो जाते हैं और फिर जीवन में फिल्म कलाकार के रूप में अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। ऐसे अनेक फिल्म और टेलीविज़न से संबंधित संस्थान हैं जहां अभिनय की बारीकियां सिखलाई जाती हैं और प्रशिक्षक के रूप में नाटक के अनुभवी कलाकार, निर्देशक आदि की नियुक्ति की जाती है और ये सभी अपनी आजीविका पा लेते हैं और अभिनय कला को जीवंत रखने और मानवीय अभिव्यक्ति को सटीक करने की तकनीक उपस्थित करते हैं। विज्ञापनी फिल्मों में भी नाटक कलाकारों के लिए आर्थिक द्वार खोल दिए हैं। दिलीप चतुर्वे ने नाटक की व्यावसायिकता पर बल देते हुए लिखा है, नाटक का व्यावसायिक महत्व सरकारी संस्थाओं ने भी बढ़ाया है, जैसे संगीत एवं नाट्य प्रभाग, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के जनसंपर्क विभाग आदि। लेकिन इनके द्वारा जो नाटक लिए जाते हैं और मंचित होते हैं, इन नाटककारों से जन सरोकार के विषय के नाटक लिखवा लेते हैं, जिनके विषय प्रायः साक्षरता, सफाई, स्वास्थ्य, स्त्री मुक्ति, दलित मुक्ति, नारी की राजनीति में प्रवेश आदि। सरकारी और गैर सरकारी रेडियो और टेलीविज़न भी नाटकों की व्यावसायिकता बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी माध्यम कभी कभी सरकार के कार्यक्रमों और उसकी नीतियों के प्रचार के लिए भी नाटक का प्रयोग करते हैं और तब नाटक की कलात्मकता का ह्रास होता है, लेकिन फिर भी नाट्य मंडलियों को व्यावसायिक लाभ जरूर होता है। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों के कला एवं संस्कृति मंत्रालयों ने भी नाटकों को प्रश्रय दिया है, जिससे नाटक के कलाकारों को या नाट्य मंडलियों को व्यावसायिक लाभ मिलता रहा है और दर्शक को भी, और उत्तम नाटक देखने का अवसर भी मिलता रहा है। इस प्रकार नाटक आज सरकार के लिए एक आवश्यक विधा बनकर उभरा है। वहीं वो अन्य क्षेत्रों से भी व्यावसायिक सहयोग पा रहा है। नाटकों के मंचन के लिए भी कई राज्य सरकारें अनुदान राशि भी देती हैं। नाट्य लेखकों को बड़े प्रकाशकों का भी प्रश्रय मिल रहा है। नाटक की पुस्तकों का अकादमिक मूल्य भी है और अनेक नाटक कॉलेज के कोर्स में भी शामिल किए जा रहे हैं। अतः ये सोचना गलत है कि नाटक पूरी तरह से अव्यावसायिक है और अपनी जेब पर भार देकर या पेट काटकर कलाकार नाटकों का मंचन करते हैं। नाटक के कलाकार
सरकारी और गैर सरकारी माध्यमों से धनार्जन कर सकते हैं, जिनके लिए उनके द्वार खुले हैं और नए नए द्वार खुलते ही जा रहे हैं। साथ ही उसे अपने कलात्मक पक्ष को बरकरार रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय भी सक्रिय है। कालिदास के नाटक या उनके नाटक पर लिखे अन्य नाटक और अन्य संस्कृत नाटककारों के नाटकों के हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में किए गए अनुवाद भी सरकारी माध्यमों पर मंचित प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और गैर सरकारी रेडियो और टीवी चैनलों पर भी संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के नाटक भी मंचित प्रसारित हो रहे हैं और ये माध्यम नाटक को व्यावसायिक आधार प्रदान कर रहे हैं और उसे लोकप्रिय माध्यम भी बना रहे हैं। ये दोहरा लाभ नाटक को मिल रहा है। ये ठीक है कि कुछ वर्षों पहले तक नाटक की व्यावसायिकता नहीं रह पाई थी। किसी जमाने में पारसी क्षेत्र ने तो खूब धन अर्जन किया, लेकिन उसमें कलात्मकता का अभाव हुआ करता था। पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा के नाटकों को व्यावसायिक बना दिया। मुंबई व्यावसायिक नाटक मंचन के लिए आज भी जाना जाता है। मराठी नाटकों में बहुत प्रयोग हुए हैं और मराठी नाटकों का महाराष्ट्र में क्रेज भी है। कई मराठी नाटकों के अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में हुए हैं और विदेशी भाषाओं के भी। इस प्रकार नाटक की व्यावसायिकता बढ़ी है। बंगाल नाटक के संस्कृति से ओतप्रोत प्रांत है और वहाँ भी यह व्यावसायिक है और उसे रसिक दर्शक भी मिलते हैं। दिल्ली तो नाट्य प्रशिक्षण का एक बड़ा केंद्र भी है और व्यावसायिक मंचन का भी। दक्षिण भारत में ही नाटक व्यावसायिकता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस प्रकार नाटक का व्यावसायिक आधार विस्तृत हुआ है और नाटक का आर्थिक भविष्य भी बेहतर हुआ है। नाटक और व्यक्तित्व विकास के मुद्दों को एक साथ देखने की आवश्यकता है और व्यक्तित्व विकास का मुद्दा नाटक में बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। नाटक एक समूह प्रदर्शन है, यह ग्रुप में कार्य करने की मानसिकता को पैदा करता है। नाटक में हर कलाकार एक ऐसी कड़ी होता है जो दूसरे कलाकार के सहयोग को स्वीकार करता है और एक दूसरे को सहयोग देने के बल पर ही नाटक की सफलता भी निर्भर है। नाटक का कलाकार व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र से जुड़ा हो, वह कलाकार के रूप में कलाधर्मी ही शेष रह जाता है। एक नाटक मंडली के कलाकार आपस में भेदभाव रहित एक सुंदर प्रेममय परिवार का निर्माण करता है। नाटक के कलाकार एक दूसरे से निर्मित और उज्जन्वित होते हैं। जब नाटक की अनेक मंडलियाँ एक जगह जुड़ती हैं, तब भी उनके कलाकारों और निर्देशकों और अन्य कोटि के सहकर्मी एक संयुक्त परिवार बना लेते हैं। दिलीप चतुर्वेदी ने अपने आलेख नाटक विधा उसके माध्यम से व्यक्तित्व विकास में लिखा है कि नाटक का व्यक्तित्व विकास के साथ गहरा रिश्ता है। नाटक कलाकारों और उससे जुड़े सभी कोटि के लोग, जैसे निदेशक, प्रकाश संयोजक, संगीत संयोजक, गायक आदि में समन्वयकारी व्यक्तित्व सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित हो जाता है। नाटक की संस्कृति में मानवीय संवेदना और समन्वयकारी प्रकृति का प्रस्फुटन होता है। नाटक सिर्फ कलाकारों और नाटक से जुड़े अन्य विधाओं के लोगों के ही व्यक्तित्व विकास में सहायक नहीं होता, बल्कि दर्शकों का व्यक्तित्व विकास करता है। इसके द्वारा समाज के व्यक्तित्व के निर्माण की भी चेष्टाएँ जुड़ी होती हैं। ऐतिहासिक नाटक दर्शकों को इतिहास बोध कराते हुए उन्हें अपने भूतकाल से भी जोड़ता है, उनको अपनी जड़ से जोड़ता है और इतिहास के झरकों से उन्हें सुंदर व्यक्तित्व की छवियाँ मिलती हैं और व्यक्तित्व विकास की प्रेरणा भी। नाटक पढ़ने वालों को भी व्यक्तित्व निर्माण में नाटक से प्रेरणा मिलती है। नाटक में व्यक्तित्व निर्माण के अनेक गुण समाहित हैं। यह कथन बहुत नाटक की व्यवहारिक उपयोगिता और उसके समाज पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव को बताता है। नाटक के कलाकारों, नाटक से जुड़े अन्य विधाओं के लोग, नाटक के दर्शक और कुल मिलाकर समाज का भी व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करता है नाटक। दूसरी ओर नाटक की व्यावसायिकता भी हर दिन बेहतर होती जा रही है और कलाकार के लिए अर्थोपार्जन के नए नए द्वार भी हर दिन खुलते जा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब नाटक के कलाकार वेल पेड़ की श्रेणी में आ जाएंगे। इस प्रकार नाटक कला विकास, व्यक्तित्व विकास के साथ साथ रोजगार भी सृजित कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं।